ये देखो कितना प्रीटी लुक लग रहा है, ये मस्त एक नंबर गाइस। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ रवि, रवि हेयर स्टाइलिस्ट। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ वन मोर अगेन लोकेशन छतरपुर में, जहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और जिसमें हम अपना वर्क करेंगे, जिससे कि मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। और साथ में हमने ले ली अपने लिए चाउमीन खाने के लिए रास्ते में, और हमारे साथ में ब्लॉग में बने रहें, फुल मज़ा एंड फन आएगा आपको। सो मिलते हैं, बाय, आ जाओ। अब हम अपने वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और ये मैंने अपने पीछे गाड़ी पार्क कर दी है, और ये हमारे यहाँ पे ये पार्किंग है, ये देखो गाइस। अब मैं जा रहा हूँ आपको लेकर वेन्यू पे, जहाँ पर हमें क्लाइंट को रेडी करना है। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखिए, और ये मैं एंट्री करूँगा यहाँ से, और साथ ही आपको सारे वो व्यू दिखाऊँगा जो मैं देखूँगा, जो मैं वर्क करूँगा, और जिससे कि आपको अंदर से फील आएगा। देखिए हमारे यहाँ पे कुछ लोग वॉक करते हुए भी जा रहे हैं। थोड़ा ये लोकेशन शायद इधर है, छतरपुर के गांव के आसपास। अभी दो दिन से मैं छतरपुर में ही आ रहा हूँ। और ये देखिए अब हमारा किंगडम पैलेस, जो वेन्यू का नाम है, मैं वहाँ पर आ गया हूँ। और ये देखिए किंगडम आओ बर्थडे पार्टी, मतलब मस्त बढ़िया सजा रखा है बाप ये, वाओ किंगडम कितना सुंदर लग रहा है यार, किसी का बर्थडे वर्थडे का ही लग रहा है मेरे को। अच्छा बातचीत तो तगड़ी है, मस्त लग रहा है भाई मेरे सामने से देखो, मस्त एक नंबर बाप भाई, ये मस्त एक नंबर गाइस। जब ये फुल रेडी हो जाएगा ना, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा लग रहा है। ये पीछे से एक नंबर लग रहा भाई, एक नंबर। फिर आगे का व्यू जो अभी रेडी हो रहा है, जब रेडी हो जाएगा तब मैं आपको फाइनली ये बढ़िया से दिखा पाऊंगा। मतलब एक जैसे बर्थडे का होता है ना जैसे, और बच्चा शायद ये वाला है, ये देखिए मैं आपको बच्चे का भी फोटो दिखाता हूँ। गर्ल है, वाह। अभी बहुत छटकेंगे, कितने फूटेंगे इसमें से, एक तो यहाँ का कम हो गया, वो दिख ही रहा अलग से। सो इस बच्चे का बर्थडे है, ये देखिए क्यूट सा बेबी का, मतलब थोड़ा लग्जरी वाला बर्थडे है, बट जो भी है गोल्डन स्पून नहीं कह सकते, मतलब गोल्डन स्पून ही है ये एक तरीके से। और ये देखिए एक वाइट बलून अभी लग रहा है इसमें, जब ये फुल रेडी हो जाएगा तो क्या लगेगा भाई, ये देखो ये बच्चों को। लेकिन यार ये जब वाइट वाले बलून लगेंगे ना, तब तो एक अलग ही मजा आएगा बादशाह, जब सारा लुक फुल। ये ना वो है जो रात में चमकते हैं ना, ये गोल गोल से ही वो है, मैंने देखा था एक वीडियो में। और ये वाइट वाइट से ये भी बड़े मस्त लग रहे हैं, लेकिन भाई जब फुल रेडी होगा ना तब एक अलग ही लुक आएगा। तो इसको आप फुल वीडियो वॉच करना अगर आपको ये पसंद आए तो। मगर ये ब्लॉग जिस बच्चे का बर्थडे है ना, वो बच्चा तो बड़ा छोटा सा ही होगा, लेकिन उसके मम्मी पापा फुल एक मतलब वैसे करते ना जैसे हर माँ बाप का सोचते हैं कि भाई एक नंबर अपने बच्चे का बर्थडे करेंगे, ऐसा ही हो रहा है। अब हम फाइनली चलते हैं अपने वर्क की तरफ जिसके लिए हम गए थे, तो आप देखते हैं। और ये यहाँ पे कैटरिंग इन लोगों ने सजा रखी है खाना वाना खाने के लिए, लेकिन इनका जो बार का सेक्शन है ना, वो मैंने देखा है वो आगे की तरफ है, तो शायद मैं उधर की तरफ ना जा पाऊँ, बट आपको शीशे में से मैं ज़रूर दिखाऊँगा। और यहाँ पर ये क्लाइंटों ने ना अपना ये मतलब होटल है, इसके अंदर आप होटल जाएंगे, यहाँ पर रूम्स वगैरह आ जाते हैं। और ये झूमर भी एक नंबर ही लग रहा है बादशाह, अजीत कहाँ लेके चल रहा बता, वहीं पे चल, ठीक है लेके चल, लो वहीं पे पता चलेगा, चल भाई लेके चल क्लाइंट के पास, क्योंकि ये पहले आ गया था, मैं थोड़ा लेट गया था, मैं व्लॉग वगैरह बनाने लग गया था, तो ये पहले रूम में आ गया था, तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, तू रूम में आ गया था तो ठीक है भाई, तू मेरे को लेके चल लियो। मैंने इसको फ़ोन करा, नीचे बुलाया, अब ये मेरे को क्लाइंट के पास लेके चल रहा है। कैसे चल रहा है चौड़े में, जैसे मैं इस होटल का मालिक हूँ, है चल भाई बढ़िया है, तेरी मजे तो चल रहे हैं अब। सो हम जो भी कहो यार, ये लोकेशन बहुत ही मेरे को ज़बरदस्त लगी, बर्थडे लोकेशन, होटल, वेन्यू, इतने मतलब बड़े बड़े रूम हैं। अदरवाइज़ हम किसी बड़े बड़े होटलों में भी जाते हैं ना, तो भी इतने बड़े बड़े रूम नहीं दिखते, यो वाओ झूमर। और ये गेट मतलब कि एक मैं क्या कहूँ, इतने बड़े बड़े रूम हैं। और यहाँ से अब हम क्लाइंट की एंट्री कर रहे हैं, तो आप देख ही रहो कितना बड़ा और स्पेशियस रूम था। हेलो, सो अब मैं आ गया हूँ अपना बैक साइड की तरफ, जहाँ पर आप देख रहे हो ये छत के ऊपर से मेरे को दिख रहा है, ये बार साइड का एरिया है, जहाँ पे क्लाइंट्स वगैरह के लिए जो आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे से ये पूरा झूमर से लगा के इन्होंने लाइट वाइटिंग सेटिंग करके ये सारा बार का एरिया है, मतलब जहाँ पे पेड़ वेड़ दिख रहा है ना आपको, उसके नीचे इन्होंने बार का अपना सेटअप कर रखा है,
जो एकदम जहर लग रहा है, क्योंकि बच्चे के लिए उस तरफ दारू वारू पीना अलाउड नहीं होता ना कहीं कहीं। और ये देखो नीचे से, मतलब सुंदर तो बहुत था यार, जिसने भी पार्टी करी थी ना बच्चे की, बड़ी मस्त करी थी यार, जो भी कहो। और ये यहाँ पर अब हम आ गए हैं, जिससे कि अब ये अपने उनको गाइडेंस दे रहे हैं, अपने अपने वेटरों को समझा रहे कि भाई क्लाइंट के साथ कैसे बिहेवियर करना है। इनको लाइन से सेट कर दिया, उसके बाद अब इनसे इनको मतलब गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। और ये ग्लव्स वगैरह इनको पकड़ा दी। ओ तेरी, क्या लग रहा है भाई, जब आपने देखा था ना कैसा लग रहा था, और अब देखो रात में क्या सेक्सी लग रहा है बादशाह, एक नंबर। ये देखो पीछे का दिल कितना बड़ा लग रहा है, मस्त एक नंबर भाई। ये मैं आपको, ये बच्चे का प्लेग्राउंड बना रखा है, जैसे पार्क वगैरह नहीं होते बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के खेलने के लिए। और बच्चा तो उनका 2 साल का ही है, वो भी डॉल है, मतलब गर्ल है। अभी तक इनका रेडी नहीं हुआ यार ये, मेरे को लगा था रेडी हो जाएगा, मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, अभी तक तो उन्होंने रेडी नहीं कर पाया। चलो कोई नहीं, मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये देखो अब ये लाइटें क्या मस्त लग रही है, मगर ये रेडी हुआ नहीं है। मैं बड़ा थक गया था, मैंने सोचा चलो यार चाय पी के आ जाते, क्योंकि आते हुए मैंने ना आंटी की टपरी देखी थी, तो मैंने सोचा चलो आंटी के पास चाय पी लूँगा। यार 4-5 घंटे हो गए थे हमें काम करते करते वहाँ पर ना, तो मतलब क्लाइंट यार इतना तो कर ही सकता है चाय पूछ ले, तो पूछा ही नहीं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं पूछा तो हम पी लेते हैं। मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं कि करोड़ों शादी में खर्च कर देते हैं पर दिल नहीं होता, बट कोई बात नहीं। हमने सोचा अब भूख तो लग रही है भाई, कोई भी हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, भूख लगेगी तो बंदा खाने तो जाएगा, चाहे अपने पैसे से खाए चाहे क्लाइंट के पैसे से खाए। फिर मैं अपना आ गया बाहर आंटी के पास, मैंने कहा आंटी जी कहाँ, आंटी दिख गई मेरे को। फिर मैंने बोला आंटी जी चलो यार चाय पिला दो हमें। ये देखो सामने टपरी आंटी की दिख गई है, क्योंकि आते ही सबसे पहले मेरे को वो दिख गई थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई चाय पी लो। आंटी से मैंने ली चाय, आंटी ने चाय बनाई थी एक नंबर। साथ में लिए 2 फैन, मैं था, मेरे साथ एक लड़का और था जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, अजीत का, अजीत था, मैं था। और फिर हमने पी चाय, चाय पीने के बाद थोड़ा पेट भर गया, क्योंकि भूख के मारे भाई मरे जा रहे थे वहाँ पर, क्योंकि क्लाइंट ने यार अपने काम करवाने में व्यस्त था, उसने हमें मतलब पानी चाय कुछ नहीं पूछा, उल्टा हम मांग रहे थे कि। फिर थोड़ी देर बाद क्लाइंट ने अपने हस्बैंड को फ़ोन करा कि इनके लिए ना 4-5 कॉफ़ी भेज दो, तो हमने कॉफ़ी का इंतज़ार करा। इंतज़ार करने के बाद देखा तो कॉफ़ी भी नहीं आई। फिर मैं अंदर आ गया चाय पी के, अब मैंने खिंचवाई एक फ़ोटो ये डॉल के साथ, मिक्की माउस था, बढ़िया लग रहा था। मैंने कहा चलो यार एक ब्लॉग में ले लेते हैं, इसी बहाने अपनी फ़ोटो भी आ जाएगी। फिर ये देखो ये रही भाई क्लाइंट तो बहुत अच्छी थी, बट जो भी है उसने पूछा नहीं, तो उसको शायद ध्यान ना रहा, उसको बेचारी की अपनी ड्रेस की टेंशन थी। फिर हमने फटाफट अपना काम वाम ख़त्म करा, और इसकी ड्रेस नहीं आई थी भाई। भाई मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा हो, लड़की जिसकी शादी होने को, अपने कपड़े अपनी ज्वेलरी अपने साथ अपने एक नोटबुक में बना कर रखे, जिससे कि आपको याद रहे। बहुत देर में आई थी, हम 11 बज गए थे इसको बेचारी को आने में। फिर हम फाइनली हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, और हम अपना घर के लिए निकल लिए, और भूख के मारे तो भाई मरे जा रहे थे, इसी बहाने फिर मैंने कहा चलो यार कुछ खा के निकलते हैं। फिर मैंने और क्लाइंट ने गोलगप्पे खाए। फिर मिलते हैं हम आगे वाले ब्लॉग में, बाय।